हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदु स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में आप सभी का। फ्रेंड्स, हम आप सभी के साथ ना एक नई मिठाई की रेसिपी यहाँ पे बताएं शेयर करेंगे आप सभी के साथ, बताएंगे आप सभी को। खाने में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है ये। यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट है ये मिठाई, बिल्कुल से हार्ड नहीं रहेगा फ्रेंड्स ये मिठाई। जिस तरह से हम बताएंगे आप सभी को, आप सभी एक बार भी जरूर से ट्राई करना इस मिठाई को बनाने के लिए। झटपट से बनके तैयार हो जाती है। ना तो फ्रेंड्स इसमें मावा लगना है, ना तो मैदा, ना तो बेसन, ना तो दूध की जरूरत है यहाँ पे। बहुत आसान तरीके से आज की मिठाई की रेसिपी हम आप सभी को बताएंगे यहाँ पे। ये देखिए, चलिए फिर इसे देख लेते हैं कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम एक कप लिए हैं रोस्टेड चना दाल है। आप चना भी ले सकते हैं, छिलके वाला भी ले सकते हैं उतार के। अब ये चना दाल लिए हैं रोस्टेड, और ये चना दाल जो है ना हम पीस लेते हैं बारीक कर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसको हम पीस लिए हैं और ये छलनी में डाल के ना थोड़ा सा इसको छाल लेंगे। ज़्यादा दरदरा भी अच्छा नहीं लगेगा, ये दानेदार होगा लेकिन इतना ज़्यादा देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना, इसको छाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी। ये घी जो है ना हम फ्रिज में रख दिए थे ना, जो डब्बा में भरने से बचा था आपने पहले वीडियो में देखा होगा। 3 से 4 चम्मच घी है फ्रेंड, इसको हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे। अभी ये मेल्ट हो जाए और ये जो चने का मैं पाउडर बना के रखी हूँ ना, अभी इसमें डालूंगी, इसको भूनूंगी मैं। तो रोस्टेड चना तो है ही फ्रेंड्स, लेकिन इसको भूनने के बाद ना इसका टेस्ट और ही अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप इसको भून के ही बनाएं, इसका स्वाद बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, आप सब देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप से ज्यादा है नारियल का बोरा। ये भी इसी में ना 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अभी फ्रेंड्स ये भून गया है, गैस करेंगे बंद हम यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज्यादा अभी ना वैसे ही छोड़ नहीं सकती, कढ़ाई भी बहुत गर्म है ना, नीचे से पकड़ लेगा। देखो कितना प्यारा कलर आ गया इधर सुनहरा सा। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 1/2 कप से ज्यादा है, और गैस बंद करने के बाद ही डालेंगे यहाँ पे। और इसको भी अच्छे से ना चला देंगे ताकि इसमें भी ना गुठली ना रहे। और अगर गुठली ऐसे दिखती है ना तो एक बार इसको ना छलने से छान लें। ज्यादा जब गर्म रहे वही कढ़ाई हम साफ कर लिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ना उसी कटोरी से 1.5 कटोरी से थोड़ा सा कम हम पानी डालेंगे। हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा है मिश्री का पाउडर हम यहाँ पे लिए हैं। आप मिश्री के जगह पे यहाँ पे शक्कर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा खाते रहते हैं ना तो नुकसान करता है, मिश्री जो है ज्यादा नुकसान नहीं करती, तो इसीलिए ना हम मिश्री यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इसका पाउडर हम ना इकट्ठा बना के रख दिए थे। अब इसका ना चिपचिपा सीरा तैयार करेंगे। इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच। देख सकते हैं चिपचिपा सीरा बनके तैयार है। इसको एक तार की नहीं करेंगे, नहीं तो ना मिठाई ना कड़क हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये जो चने का हम मिला के रखे थे मिल्क पाउडर ना, थोड़ी थोड़ी सी ना गुठली दिख रही थी इसमें। और क्या है ना ये गरम रहता है ना, गरम में ही मिल्क पाउडर जब डालेंगे ना तो ये गुठली सी हो जाती है। अच्छे से छान लिए हैं, अब इसको ना इसी में डाल देंगे हम। गैस धीमी आंच पे रखेंगे, इसको ना अच्छे से सुखाएंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ना मिठाई जो है ना एकदम कड़क हो जाएगा।
और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि मेरा चना जो हम इसे रोस्टेड चना ले रहे हैं ना, ज़्यादा हो जाता है तो जो सीरा हम बनाए हुए हैं थोड़ा कम पड़ जाता है ना, सूखने लगता है। और अगर सूख रहा है, आप देख रहे हैं कि मेरा ये सूख गया है अभी, जितना मतलब ऐसे नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे ना, 3-4 से 5 चम्मच शक्कर और पानी जो है हाफ कप लेके उबाल के ना उसमें डाल दें, और तब इसी तरह आपका अच्छे से हो जाएगा। कभी कभी क्या है ना, कितना भी माप जोक के हम लोग बनाते हैं ना, तो कम ज़्यादा हो जाता है, ये चना जो है ना पानी ज़्यादा पीता है। अभी हम एक प्लेट लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये गोली अच्छे से बन रही है और ये मेरा परफेक्ट है। अब हम ना गैस बंद कर देंगे, यहाँ पे लेंगे एक प्लास्टिक, इसमें घी भी लगा सकते हैं आप। इसको ना चिकना कर लेंगे थोड़ा, अभी ये गरम है इसको छोड़ देते हैं हम, हल्का सा ठंडा हो जाए क्योंकि अभी हाथ पे नहीं सह रहा है। खोलो जल्दी, जाओ आप भी जाओ खोलो, इनके दीदी भैया, इनके दीदी भैया आ गए बोल रहे, जाओ जल्दी गेट खोलो, आप खोलो ना बेटा, आप खोलो। हम इसको ना ऐसे ही सिलेंडर का शेप देंगे और इसको ना थोड़ा रोल करके ऐसे ना लंबा साइज में करेंगे, इस तरह से हम कर लिए हैं इसको। फिर ऐसे ही कट लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम फूड कलर लिए हैं, बस हल्का हल्का सा लगाएंगे, एक तरफ ये ग्रीन वाला, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। एक तरफ ये रेड लगाएंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे डालेंगे टूटी फ्रूटी, मिल्क पाउडर लगा था इसमें, इसे लगा के डाल देंगे। अभी हमको इससे बंद करना है। अब हम इसको स्लिप पर रख देंगे। अब इसको ज्यादा नहीं करना है हमें। अगर आप इसको फ्रिज में भी रखना चाहे ना, तो फ्रिज में भी 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। अब हम ना इसको दो भाग में कर देंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे स्लिप पे। अभी ये ठंडा हो गया है, अब यहाँ पे लगा देंगे हम बर्फ। आप इसमें क्या है ना, बाबू ने पानी गिरा दिया था ना, तो ये जो है ना वरक, और इसमें ना पानी लगने की वजह से ना बहुत सारे तो खराब भी हो गए थे, बाकी जो बचे ना एक दूसरे से ना चिपक गए हैं, क्योंकि जिस डब्बे में सारा सामान ये सब रखती हूँ ना नीचे रहता है, बाबू ने ना ढक्कन खोल के ना खेल रहा था तो पानी गिर गया था उसमें।
इस तरह से। यहाँ पे देखिए अच्छे से लग गया है। अब इसको ना हम कट करेंगे, तो अभी यहाँ से ये साइड का हम कट करके निकाल देंगे। आप इसको मनचाहे शेप में काट सकते हैं, बड़ा छोटा आपको जैसे रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारे पेड़े हम बना के रख लिए हैं। आप इसका ना लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, जो मन चाहे आप कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि सीरा ज़्यादा गाढ़ा ना होने पाए, नहीं तो आपकी मिठाई जो है ना बहुत ही कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट है ये देखिए। और इसमें जो दो कलर डाले हुए हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कितना जूसी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ढेर सारा इसमें हम घी डाले हुए हैं। और इसमें जो टूटी फ्रूटी डाले हैं फ्रेंड्स, रेड कलर और ग्रीन कलर डाले हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। एकदम यूनिक सी मिठाई है फ्रेंड्स, ये एकदम बनाने का ये नया तरीका है, आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना। और हाँ, टूटी फ्रूटी डालने के बाद ना फ्रेंड्स, इसको ना खूब दबा दबा के करना, नहीं तो ना इसमें जगह खाली रहता ना, एयर रहता है। ये रहा मेरे राधे की कटोरी, और मेरे राधे को लगेगा भोग। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के साथ ना यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।